हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप और आज का ब्लॉग मेरा बहुत ही स्पेशल होने वाला है, वो आप लोगों ने शुरुआत में ही देख लिया होगा, क्योंकि आज पूरे हल्द्वानी शहर में हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प से बरसात करी गई, जो काफ़ी देखने लायक थी। और वो फोन से पूरा आ नहीं पाया क्योंकि सूरज चमक रहा था, तो जितना हो सकता है मैंने दिखाने की कोशिश करी है। लास्ट में उसकी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। यह कलश यात्रा निकली हल्द्वानी मंडी से होकर पूरा मार्केट होते हुए, लास्ट था इसका MB इंटर कॉलेज ग्राउंड तक। लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पूरी यह होती है। इतनी लंबी कलश यात्रा मैंने कभी पहले कभी देखी नहीं, आज पहली बार ही मुझे देखने को मिला। काफ़ी मज़ा इस कलश यात्रा को देखने में आया। इसमें 11,000 महिलाओं ने भाग लिया था, उसके अलावा अतिरिक्त श्रद्धालु भी इसमें मौजूद थे, जो आगे काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। और पुरुषों ने भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जो आप आगे मेरी वीडियो में देखेंगे। काफ़ी अच्छा इसको देख के लगा, आनंदमय मन हो रहा था। और अगर पूरी वीडियो में अगर इस कलश यात्रा की बनाती तो काफ़ी लंबी बन जाती, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी वो वीडियो बनाई है, जो मैं आप लोगों को अभी अपनी ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी। तो देखिएगा हल्द्वानी की कलश यात्रा। और यह कलश यात्रा की एक ख़ास बात ये थी, इसमें पूरे मतलब जितने भी श्रद्धालु थे सब नंगे पाँव थे, को किसी ने भी चप्पल नहीं पहनी थी, सब नंगे पाँव ये कलश यात्रा निकली। और पूरे उसमें मैट बिछाई हुई थी और ऊपर से हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की बरसात। काफ़ी देखने योग्य नज़ारा आज हल्द्वानी शहर का था। काफ़ी मतलब श्रद्धालुओं को देख के इतना मन खुश हो रहा था कि नज़रें नहीं हट रही थी उनको देख के, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी ये नज़ारा दिखाया जाए, तो मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए हल्द्वानी से कलश यात्रा। और इस कलश यात्रा को निकलने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कल से यहाँ है भागवत शुरू, जो तो जिसके उपलक्ष्य में यह कलश यात्रा निकाली जा रही है। और 19 तारीख को यहाँ 111 कन्याओं का कन्यादान किया जाएगा, जो कि 100 का समुदाय की संस्कृति के अनुसार किया जाएगा। वो भी अगर मैं आगे को जाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसके उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा निकाली गई और इसमें महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी श्रद्धालुओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो देखिए मेरी वीडियो में। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कलश यात्रा का एक नज़ारा। Thank you.
Thank you.
कब से चक्कर लगा रहा आज? फूल डाल रहा है ना कोई? हाँ तो ऊपर से फूल फेंक रहे हैं ना, पूरे सबके सिरों में फूल ही फूल हो रखे हैं। आएगा पापा?